सो आज हमारे पास है फायरबोल्ट का दो टॉप रेटेड स्मार्ट वॉच फ्रॉम Amazon, AF Phoenix Pro, AF Phoenix Ultra, एंड दोनों का ओवर 1 लाख रेटिंग है Amazon में, एंड दोनों ही ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, एंड दोनों ही भाई ऑलमोस्ट सेम फीचर्स के साथ आता है, सिर्फ लुक्स एंड डिजाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। आज करेंगे हम इन दोनों का कंपैरिजन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सेम हाइट का पैकेज है, सेम तरीके का पैकेज है, ये है फायरबोल्ट की Phoenix Pro, ये है Phoenix Ultra। इसे मैं कुछ दिन पहले परचेस किया था, साइड की तरफ भी फीचर्स भी जो दिया हुआ है वो भी सेम दिया हुआ है, चारों तरफ सेम ही चीज है। एंड हमने भाई इन दोनों का अनबॉक्सिंग पहले कर रखे है, एंड ए है दो स्मार्ट वॉचेस। हालांकि डिस्प्ले साइज यहां पर दोनों ही सेम मेंशन किया गया है, 1.39 इंच 1.39 इंच, बट डिस्प्ले साइज में आपको काफी ज्यादा यहां पर डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। ए है फायरबोल्ट की Phoenix Ultra, एंड ए है फायरबोल्ट की Phoenix Pro, जहां पर Phoenix Pro में थोड़ा सा डिस्प्ले साइज ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, ज्यादा बिग डिस्प्ले है, बेजल कम है Phoenix Ultra में, थोड़ा सा बेजल ज्यादा है। बाकी रेजोल्यूशन की बात करें तो दोनों का ही सेम रेजोल्यूशन है, 240x240 पिक्सल। स्टाइलिश दिखता है दोनों स्मार्ट वॉच, बिल्ड क्वालिटी वाइज काफी अच्छा है, साइड का पूरा फ्रेम मेटालिक है, एंड पीछे की तरफ यहाँ पर प्लास्टिक दिया गया है। टाइम में थोड़ा सा आपको डिफरेंस जरूर देखने के लिए मिलेगा कुछ सेकंड का, क्योंकि हम दोनों टाइम में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, मजाक करो दोस्तों। एक कनेक्टेड है एक कनेक्टेड नहीं है, सो सिंक नहीं हो पाया इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर, बट ऐप से कनेक्ट करते ही ऑटोमेटिक सिंक हो जाता है फोन के टाइम के साथ। 22mm का रिमूवेबल स्ट्रैप दिया गया है। यूआई में ओनली थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बस कलर वगैरह चेंजेस है, थोड़ा सा मेरे को स्मूथ यूआई लगा फायरबोल्ट Phoenix Pro का एज कम्पेयर टू फायरबोल्ट Phoenix Ultra, बट दोनों ही स्मूथ चलता है, आपको ज्यादा फर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा, बस कलर वगैरह थोड़ा बहुत अपग्रेड किया है फायरबोल्ट Phoenix Pro में। यहाँ पर ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ साथ काफी सारे फिटनेस रिलेटेड फीचर्स भी दिया गया है, लाइक यहाँ से हार्ट रेट मेजर कर सकते हो, एसपीओ2 मेजर कर सकते हो, कैलोरीज कितने बर्न किए ये भी मेजर कर सकते हो, स्टेप काउंट करते हैं, स्लीप काउंट करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आप यहां से कर सकते हो। सो फुल फ्लेज यहां पर फिटनेस रिलेटेड चीजें दिया गया, इसके साथ 120 प्लस स्पोर्ट्स मोड भी है दोनों में ही, यानी वर्कआउट मोड, आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो तो उसका डिटेल रेट ट्रैक कर सकते हो, लाइक वर्कआउट के टाइम आपका कितना हार्ट रेट था, कितने टाइम से आपने वर्कआउट किए हो, कितना डिस्टेंस चले हो, एंड कितना कैलोरीज आपने बर्न किए हो, ये सारे का डिटेल रिकॉर्ड दिखाता है, एंड ये सारे ऐप के साथ सिंक होता है। इन दोनों स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करने के लिए आपको चाहिए होगा दा फिट एप्लीकेशन का, जिसे आपको प्ले स्टोर फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है। कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, इजीली यहाँ पर ऐड ए डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट क्लिक ऑन दैट, एंड उसके बाद सारे परमिशन को ऑन कर लेना है, एंड ये इजीली कनेक्ट हो जाता है। सो हार्ट रेट वाले ड्राइव पर देख सकते हो, ये Phoenix Ultra जहाँ पर हो रहा है 81 BPM, 84 BPM ऑन Phoenix Pro, एंड यहाँ पर मेरा ऑक्सीमीटर में हो रहा है 87 BPM, क्वाइट क्लोज डेटा है तीनों में ही। anyway, let's check SPO2, and SPO2 का भी डेटा काफी क्लोज है, 96% ऑन Phoenix Ultra, Phoenix Pro में हो रहा है 97%, एंड यहाँ पर हो रहा है 96%, इसलिए देखा जाए तो Phoenix Ultra एक्यूरेट है थोड़ा सा। ट्रेड एंड SPO2 मेजरमेंट के टाइम दोनों में ही ग्रीन LEDs जलता है, एंड किसी भी सरफेस में मेजर नहीं करता है, यहाँ पर आपको एरर मैसेज देखने के लिए मिल जाएगा। स्टेप काउंट का एक्यूरेसी मेरे को फायरबोल्ट Phoenix में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगा, फायरबोल्ट अल्ट्रा में कभी कभी गलत रेटिंग भी देता है, 70-80% का स्टेप काउंट का एक्यूरेसी आपको मिल जाएगा, हालांकि खड़े खड़े भी कभी कभी रीडिंग काउंट कर लेता है। दोनों ही स्मार्ट वॉच का फीचर्स मैं क्विकली आपको दिखा देता हूं, तो यहां से आप स्टेप काउंट कर सकते हो, कितने स्टेप चले हो, कितना कैलोरीज बर्न करो, कितना डिस्टेंस चले हो, ये सारे का इन्फॉर्मेशन यहां पर दिखाता है। स्लीप ट्रैकिंग कर सकते हो यहां पर, स्लीप ट्रैकिंग करने के लिए घड़ी को पहन के सोना पड़ेगा। यहाँ पर फोन वाले सेक्शन है जहाँ से आप ब्लूटूथ कॉलिंग को एक्सेस कर सकते हो, रिसेंट कॉल देख सकते हो, जिसे भी जिसे आपने रिसेंटली डायल किया हो वो सारे का कॉन्टेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर डायल पैड है, किसी को भी आप नंबर से डायल करके कॉल कर सकते हो। एंड भाई स्पीकर का क्वालिटी काफी अच्छा है, इसका डिटेल टेस्टिंग मैंने फुल वीडियो में करके रखे, आप एक बार चेकआउट कर लेना। कॉन्टेक्ट वाले सेक्शन से आप कुछ सारे फेवरेट कॉन्टेक्ट यहाँ पर एड करके रख सकते हो, एंड इसे डायरेक्टली यहाँ से कॉल कर सकते हो, मैक्सिमम 8 कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हो, दोनों में सेम होता है। यहाँ पर दिखा नहीं रहा है क्योंकि ये वाला स्मार्ट वॉच कनेक्टेड नहीं है, ये वाला स्मार्ट वॉच कनेक्टेड है और जस्ट सेम ही है एंड सेम ही दिखता है। दोनों में आपको AI वॉइस असिस्टेंट मिलता है, हार्ट रेट SPO2 का मेजरमेंट कर सकते हो, यहाँ से आप स्पोर्ट्स मोड पे जा सकते हो, एंड दोनों में काफी सारे ओवर 100 प्लस स्पोर्ट्स मोड दिया गया है, प्लस वाले बटन से आप और भी फेवरेट स्पोर्ट्स मोड यहाँ पर ऐड कर सकते हो। वेदर वाले सेक्शन से आप प्रेजेंट वेदर देख सकते हो, एंड इसके अलावा नेक्स्ट 6 डेज का भी वेदर दिखाता है यहाँ पर। शटर वाले सेक्शन से आप रिमोटली फोन कैमरा का शटर ऑपरेट कर सकते हो, म्यूजिक प्लेयर का भी ऑप्शन है, म्यूजिक प्ले कर सकते हो अपने स्मार्ट वॉच से ही, एंड जो म्यूजिक है वो घड़ी में प्ले होता है एंड काफी अच्छा साउंड है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो दोनों में ही, एक इनहेल एक्सहेल वाला एक्सरसाइज है जो आपको रिलैक्स रखने में थोड़ा सा मदद करता है। गेम्स है दोनों में, दो गेम्स दिया गया है एंड सेम गेम्स है, यंग बर्ड बोल के एक गेम है जो कि फ्लैपी बर्ड का गेम है, एंड टच का भी रिस्पॉन्सिव है, सो यहाँ पर आप गेम खेल सकते हो। इसके अलावा 2048 बोल के और एक गेम यहाँ पर मिल जाता है दोनों में ही। लास्ट है सेटिंग्स, यहाँ से आप सेटिंग्स में जा सकते हो, सेटिंग्स में भी काफी सारे ऑप्शन है, काफी सारी चीजों को आप कस्टमाइज कर सकते हो, एंड स्टॉप वॉच अलार्म टाइमर का ऑप्शन आपको सेटिंग्स में देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा मेनू व्यूज आप चेंज कर सकते हो, लिस्ट एंड ग्रिड दोनों का ऑप्शन है, ब्राइटनेस यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, ब्लूटूथ कॉलिंग को आप यहाँ से रिसेट कर सकते हो, ब्लूटूथ ऑडियो
ऑडियो को यहाँ पर टर्न ऑन टर्न ऑफ करने का ऑप्शन दिया गया है, यानी अगर ब्लूटूथ ऑडियो का आप टर्न ऑफ कर दोगे तो जो म्यूजिक है उनसे प्ले होगा, घड़ी से नहीं प्ले होगा। नेक्स्ट है फोन रीसेट, यानी ब्लूटूथ कॉलिंग को आप रीसेट कर सकते हो, कॉल लॉग वगैरह सारा डिलीट हो जाएगा। वाइब्रेशन को आप ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ से थिएटर मोड में जा सकते हो। यहाँ पर रिंग को भी ऑन ऑफ करने का ऑप्शन दिया गया है, आप अगर साइलेंट रखना चाहते हो तो यहाँ से आप रिंग बंद कर सकते हो, क्योंकि इनकमिंग कॉलिंग के टाइम कॉल साइलेंट नहीं कर सकते हो। इसके बाद कुछ सारे सिस्टम मेनू यहाँ पर मिल जाता है, लाइक रीसेट, पावर ऑफ एंड अबाउट वाले सेक्शन से आप घड़ी का अबाउट देख सकते हो, एंड क्यूआर कोड से आप दाफिट एप्लीकेशन का डाउनलोड कर सकते हो। ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर मिलता है, बैटरी सेविंग मोड, थिएटर मोड यानी डीएनडी मोड। इसके अलावा फ्लैश लाइट का भी ऑप्शन है, यहाँ पर फ्लैश लाइट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पर ब्लूटूथ कॉलिंग को आप टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हो, बट यहाँ पर नहीं कर सकते, यानी वाइब्रेशन मोड पे दोनों को ही डाल सकते हो। यहाँ से ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो, सेटिंग्स में जा सकते हो, एंड यहाँ पर वेदर एंड टाइम वगैरह दिखाता है ऊपर, एंड यहाँ पर बैटरी परसेंटेज में देख सकते हो 93% यहाँ पर दिख रहा है बैटरी परसेंटेज, बट यहाँ पर बैटरी का कोई परसेंटेज नहीं दिखता है। बाकी लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करोगे तो मेन मेनू आता है, राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर ढेर सारे शॉर्टकट्स आपको देखने के लिए मिलेगा दोनों में। आप कुछ सारे शॉर्टकट्स मेनू को यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। वॉलपेपर आप ऐसे लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करके चेंज कर सकते हो, यहाँ पर कुछ सारे वॉलपेपर दिया गया है, यानी वॉच फेस। इसके अलावा ढेर सारे वॉच फेस आपको ऐप में देखने के लिए मिलेगा, एंड फायरबॉल फिनिक्स अल्ट्रा का मैंने मेटल एडिशन वाला मंगवाया था, सो मेटल एडिशन में कुछ नहीं, एक मेटल स्ट्रैप आपको सिर्फ ज्यादा मिलता है, एंड प्राइस भी आपको ज्यादा पे करना पड़ता है, एंड ऑल्सो सिलिकॉन स्ट्रैप भी आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। सो दो स्ट्रैप मिलता है बस, और बाकी सेम चीज ही आपको मिलता है। सो डेफिनेटली दोनों का फीचर्स मेरे को काफी अच्छा लगा इन दिस बजट प्राइस में, काफी अच्छा फीचर्स यहाँ पर दिया गया है। फिटनेस रिलेटेड काफी सारे फीचर्स है, एंड एक्यूरेसी भी काफी अच्छा मिल रहा था, सो आप इसे एज ए फिटनेस वॉच भी यूज कर सकते हो, एंड ब्लूटूथ कॉलिंग है सो आप इसे हैंड स्पिन मोड पे भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पर 2 to 3 days बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा कॉलिंग के साथ, अगर ज्यादा रफ यूज कर रहे हो तो 1 to 2 दिन मिलेगा, एंड विदाउट कॉलिंग भाई 7 days बैटरी बैकअप यहाँ पर मिलता है। अदरवाइज IP67 का रेटिंग है, सो पानी वगैरह में भीग जाए या फिर गिर जाए तो डैमेज नहीं होने वाला है। इसके बारे में डिटेल्स में मैंने फुल वीडियो में डिस्कस करके रखे, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार चेकआउट कर लेना। मेरे को काफी अच्छा लगा ये वाला स्मार्ट वॉच, शायद इसलिए Amazon पे इतना सारा रेटिंग है। डेफिनेटली दोनों ही स्मार्ट वॉच काफी अच्छा है। इतना ही था इस वाले वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में।